मेरे रब्बा, वो सारा रोड हम कवर करके आ रहे हैं। तो ये भाई एंट्री, ऐसी एंट्री है इनकी, पैनकेक रॉक्स नाम है इसका, ब्लो होल्स भी कहा जाता है। लो जी ये आ गया हवाई हवाई। तो इसका मतलब है कि एक दिन ये समंदर इनको फिर से बहा के ले जाएगा। देखो जी पैनकेक के बीच में से ऐसे लग रहा है जैसे नदी है ये समंदर ही वहां से आ रहा है। वाह भाई वाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव फिर से एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पैनकेक्स। पैनकेक्स खाने वाले नहीं, ये पैनकेक्स जो है ना कुदरत ने बनाए हैं, जिनको मिलियंस ईयर्स लगे हैं बनने के लिए, और इन्हें कहा जाता है पैनकेक रॉक्स। ये पुना काइकी नाम का जो वेस्ट कोस्ट न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में जो वेस्ट कोस्ट है, पुना काइकी नाम का एरिया है, वहाँ पे ये पैनकेक रॉक्स मिलते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं उन पैनकेक्स की ओर। हमारा सफ़र आज का कोई ज़्यादा लंबा नहीं है और रास्ते में आपको अच्छे अच्छे जो वेस्ट कोस्ट के व्यूज़ हैं ना, जिसे वाइल्ड वेस्ट कोस्ट भी कहा जाता है, वो भी दिखाता चलूँगा, और देखना कि न्यूजीलैंड कितना सुंदर है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। गड्डी साड़ी वेस्ट कोस्ट न्यूजीलैंड का जो है उस पर अब छलांगे मारती हुई जा रही है, और वेस्ट कोस्ट जो है अपनी नेचुरल जो वाइल्डनेस है उसके लिए बहुत ही फेमस है। जो सीनरी है इतनी खूबसूरत है, मैं दिखाऊंगा एक जगह रुक के आपको, ड्राइविंग करते हुए भी देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, इतना सुंदर जो नज़ारा, जो असली न्यूजीलैंड है ना वो आपको दिखा रहा हूँ कि असली न्यूजीलैंड असल में होता क्या है। एक हमारे इंडियन यूट्यूबर हैं इंडियन बैकपैकर नाम से, वो हमेशा पैनकेक्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज उनके फेवरेट पैनकेक खाने वाले नहीं है, वो खाने वाले की बात करते हैं, हम दिखाने वाले हैं जो रॉक्स हैं पैनकेक। बस दिल को थाम के देखते रहिए ये हमारी वीडियो। भाई ये देखिए इस साइड हमारे समंदर जो है ना उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है। वेस्ट कोस्ट सच में खूबसूरत है भाई। जो बीच में आगे चल के आइलैंड सब वो दिखाई दे रहा है, मैं मैप पर देख रहा हूँ, उसका नाम भी सील आइलैंड है। काश मैं आपको दिखा सकता कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना उसके देखने के लिए तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ऐसी ड्राइव, ओए होए होए होए, एक तरफ समंदर एक तरफ पहाड़, ऐसी ड्राइव आपने कभी देखी है? मेरे ख्याल से तो मैंने कहीं और नहीं देखी। इस साइड समंदर, वो भी तेज तेज लहरों वाला, समंदर में भी पहाड़ है और इस साइड एक साइड तो पहाड़ है ही। मैं ना इतना सुंदर व्यू आ रहा है, इतने सुंदर व्यू आ रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी के शीशे पर कैमरा लगा है वो जस्टिस नहीं करेगा, इसीलिए मैं रुक गया हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो पॉइंट, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना सुंदर है। जहाँ से हम रोड से आ रहे हैं तो देख लीजिए, आपकी आँखें ना तृप्त हो जाए तो कहना ये देखियो मेरे रब्बा, वो सारा रोड हम कवर करके आ रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल। आप भी देखिए, ओए दूर से सारा रोड इसी साइड से आ रहा है, आ गया ना मज़ा देखकर। तो फोटोस वगैरह यहाँ पे अगर खींचनी हो तो यहाँ पे है, मज़ा ही मज़ा भाई, मज़ा ही मज़ा। ऐसा रोड आपको कहीं भी दुनिया में मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। इस साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस साइड है जी बहुत ही सुंदर समंदर। इस साइड देख लीजिए, यहाँ पर हमारी वो नीचे रुकी हुई है गाड़ी, इस साइड देखिए वो, ये भी इस साइड भी कमाल का ही व्यू है। देखिए वो सामने आइलैंड सा जो बना हुआ है, क्या बात है भाई। कोई कोई गाड़ी भी आ रही है, और मैं तो कहता हूँ कि भाई दूर तक समंदर ही समंदर दिखाई दे, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। Thank you.
तो इस व्यू को करते हैं बाय बाय, जाने का दिल तो नहीं कर रहा, बच्चे वैन में हैं और चलते हैं आगे की ओर। लो जी ये आ गया हवाई, हवाई नहीं है, है न्यूजीलैंड ही, पर हवाई जैसी देखिए फीलिंग आई थी इसे थोड़े से एरिए में। पैनकेक्स रॉक्स 1 किलोमीटर यहाँ से बची हैं, क्या खूब आए तो भाई, इतना मजा आया, इतने सारे व्यू, इतने सारी लोकेशंस, सुंदर सुंदर एक ही सफर में आए हुए हुए हैं। जहाँ भी रुक जाओ इतना सुंदर व्यू है, जहाँ मर्जी रुक जाओ बस आपका दिल करेगा कि यार इतना सुंदर, यहाँ पे भी क्या कहना भाई इस रोड का। तो अपने लाडो रानी और हम जा रहे हैं इस साइड, इस साइड है शायद पैनकेक्स, तो यहाँ पे पैनकेक्स का कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे कैफ़े वगैरह है तो वहाँ पे पैनकेक मिलते भी हैं भाई यहाँ पे, क्या बात है। बना हुआ है, लग रहा है कि शायद बंद है आज, कि पता नहीं खुला है, पैनकेक रॉक्स कैफ़े इसका नाम है। तो ये भाई एंट्री, ऐसी एंट्री है इनकी, पैनकेक रॉक्स नाम है इसका, ब्लो होल्स भी कहा जाता है, तो ड्रोन उड़ा नहीं सकते यहाँ पे भी, तो डॉग भी नहीं, डॉग तो हमारे पास है नहीं, ड्रोन हमारे पास है, वो उड़ाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, मान लेंगे आपको। ऐसा है जी रास्ता, जंगल के बीचों बीच दो मोर जा रहे हैं सही ने देखा पीछे की ओर है ना सर जी, कितने सुंदर हैं रॉक्स, इन्हें कहा जाता है पैनकेक, क्योंकि इनकी जो शेप है ना, जूम कर दूं, जो इसकी लेयर्स हैं पैनकेक की तरह लगती हैं, इसीलिए इनको पैनकेक कहा जाता है। क्या खूबसूरत नज़ारा है समंदर, और समंदर के बीच में ये रॉक्स, ऐसा रॉक यहाँ पे रखा हुआ है समझाने के लिए, देख लीजिए इसकी लेयर्स देखिए कैसी है ना, तो जिससे पता लगता है, इसीलिए इसको पैनकेक रॉक्स कहा जाता है। और सहज को लग रहा है कि कोई पैनकेक खाने वाली चीज़ इसको मिलेगी आज तो जी दर्शन हो चुके हैं पैनकेक्स के, और आगे भी फिर आ गए हैं, यहाँ से फिर आपको दिखा देते हैं एक और, देखिए यहाँ से व्यू देखिए जी, ओए होए होए, आप देख लीजिए ये अलग ही तरह की है ना, ये जो रॉक्स हैं ये देखिए फॉर्मेशन, देखिए इनकी बिल्कुल अलग तरह की फॉर्मेशन आपको यहीं न्यूजीलैंड में ही मिलेगी, ये वाली काफ़ी खूबसूरत है ये एरिया। इन्होंने पैनकेक्स के बारे में जो रॉक्स हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे ये फॉर्म हुए हैं, तो अगर आपको इरोजन अपलिफ्ट और फॉर्मेशन जो इसके चार हैं, और सी फ्लोर उसके बाद ये बने हैं, इसके चार जो स्टेप्स हैं, अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो इसको पॉज करके देख लेना जी। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि क्रैशिंग सी जो है, जो उसकी हवा है, पानी है, जो बारिश के कारण जो भी पानी है ना, वो सब इस कोस्ट लाइन को डिसॉल्व करके उस समंदर में वापस ले जाएंगे इवेंचुअली। तो इसका मतलब है कि एक दिन ये समंदर इनको फिर से बहा के ले जाएगा, जैसे पहले भी उसी के कारण ये बने हुए हैं, तो फिर एक दिन फिर से ये समंदर में घुल मिल जाएंगे। तो जैस कह रही है कि जैसे समंदर ने इनको बनाया है, समंदर एक दिन इनको अपने आप में संभालेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन पे टकराव हो रहा है पानी का, हवा का, तो ये समंदर में ही मिलने जा रहे हैं। रॉक्स की जो फॉर्मेशन है उनको होने में मिलियन ईयर्स लगे हैं, और जब ये डीफॉर्म होंगे, जब ये समंदर में मिलेंगे, वो भी मिलियन ईयर में होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, कुदरत अपनी चीज़ों के लिए समय लेती है। तो हमें लग रहा था कि वो पीछे ही रह गए, बस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं भाई, ये देखिए कितने ज़्यादा पैनकेक्स हैं। सहज नीचे रहो पत्ता, सहज नीचे आ जाओ, बी केयरफुल। तो देखिए कितना सुंदर है ये, ओए होए होए, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे भाई, पैसा वसूल है भाई पैनकेक रॉक्स तो, ओए होए होए। उधर देखिए आगे भी व्यू पॉइंट है, आगे भी चलते हैं फिर। We'll be right back.
देखो जी, पैनकेक के बीच में से ऐसा लग रहा है जैसे नदी है या समंदर ही वहां से आ रहा है। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत पानी का करंट देखिए, क्या बात है। और नीचे आप देख लीजिए, इसने पानी ने ना नीचे से जो पत्थर हैं बिल्कुल इनको जैसे वो कर दिया है, काट दिया है पत्थरों को, और पानी नीचे तक जा रहा है। पता नहीं कितने गहरे होंगे यहाँ पे। इट्स नाइस ओवर हियर, लुक एट दिस। यहाँ तो और भी सुंदर हो गया है वो, देखिए माय गॉड, ये ब्रिज, ये जैस देखिए। ओए हाय, हाँ समंदर ने रास्ता काट दिया नीचे से। वो पूरा ही काट दिया गया है, ये देखिए लहरों ने। यहाँ तो पैनकेक, वो कितना खूबसूरत है भाई यहाँ पे। और देखिए कितनी बड़ी लहर आ गई है, क्या कमाल का पानी है भाई यहाँ पे, मजा आ गया मजा। तो जी जैस और सह जा रहे हैं ब्रिज पे, कितना सुंदर ब्रिज है। और इस साइड देखिए क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, क्या बात है भाई। इसीलिए ये पैनकेक पैनकेक मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझे पता था कि इम्पोर्टेंट है तो जाना चाहिए, तो आ ही गए हम। यहाँ पर भी देख लीजिए इस साइड का भी नज़ारा, यहाँ का व्यू भी देख लीजिए कितना सुंदर है, कितना नज़ारा आ गया यहाँ पे तो आके। ओए होए, इस साइड का तो है ही है पानी, देखिए आए है। ओ देखिए जैस और सहज कहाँ पे चली गई हैं, तो इनको बुरा आनंद आ रहा है। कह के हम ऊपर आ गए, ये देखिए पानी का बहाव आता है यहाँ पे, और कितना खूबसूरत लगता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे पैनकेक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पैनकेक रॉक्स हैं, खाने वाले नहीं हैं, फिर बता दूँ। क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरती है यहाँ की। और देखिए पानी देखिए कितनी जल्दी, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वो देखिए जैस और इनकी पूरी मस्ती चल रही है, देखिए कितने, क्या बात है जी, क्या बात है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। पैनकेक को देखकर तो, पैनकेक रॉक्स को देखकर तो मज़ा ही आ गया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो हमने सोचा कि वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है ग्रे माउथ में आपको वो वाली दिखाएंगे।